तो ये एक ऐसा वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन है जो आता है इस केस के साथ, जिसके अंदर आप अपने माइक्रोफोन को वायरलेसली ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। सो दिस इज द ऑल न्यू लार्क M1 बाय हॉलीलैंड। अब हॉलीलैंड कोई नया ब्रांड नहीं है, ये लोग वीडियो ट्रांसमिशन सिस्टम बनाते हैं काफी सालों से एंड और भी बहुत प्रोफेशनल एक्सेसरीज, बट इस टाइम इन्होंने ये एक माइक्रोफोन लॉन्च किया है, वायरलेस माइक्रोफोन। दे सेंट इट टू मी, इन्होंने बोला कि आप ट्राई करो, मैं पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और ऑनेस्ट व्यू आपके साथ शेयर करूँगा एट दी एंड आई शेयर कि क्या ये वायरलेस माइक्रोफोन आपके यूज़ का है और किन लोगों के लिए एक्चुअल बेनिफिशियल हो सकता है। तो जब मैंने इसके बॉक्स को ओपन किया, आई सॉ दिस केस जिसने एकदम अटेंशन कैच किया, बिकॉज अभी तक जो वायरलेस माइक्रोफोन्स नॉर्मली मैं यूज़ कर रहा था, ट्राई कर रहा था, किसी में केस नहीं आ रहा था, पाउच आते थे, बट ये जो केस है ना ये काफ़ी यूनिक है। क्यों? दो रिसीवर और एक ट्रांसमीटर इसके अंदर प्लेस हैं, तो ये कैरी केस तो है ही, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इन यूनिट्स को चार्ज कर सकता है ऑन द गो। तो बेसिकली मैं तीनों यूनिट्स को दो बार चार्ज कर सकता हूँ। तो ब्रांड क्लेम्स की एक जो ट्रांसमीटर है वो 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है, तो अगर मैं दो बार भी चार्ज कर रहा हूँ अराउंड 20 घंटे का रन टाइम मुझे इजीली मिल जाएगा यूजिंग दिस कैरी केस। चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो सी टाइप चार्जिंग है नीचे की साइड, बट एक और चीज़ है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, अगर मुझे केस से चार्ज नहीं भी करना तो भी इंडिविजुअली ना तीनों यूनिट्स में इंडिविजुअल सी टाइप स्लॉट्स दिए हुए हैं, तो मैं अलग अलग भी इनको चार्ज कर सकता हूँ। अगर केस फॉर एग्जाम्पल गुम गया, कुछ भी हो गया, मैं भूल गया घर पर, तो सेकेंड ऑप्शन भी है टू चार्ज इट यूजिंग द सी टाइप केबल। अब जैसे ही मैं इन यूनिट्स को केस से निकालता हूँ ना, द वन थिंग दैट आई रियलाइज कि इंस्टेंटली कनेक्ट हो रहा है, विद इन एक सेकेंड लग रहा है, मुश्किल से एक या दो सेकेंड। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ सो दैट वी कैन सी इट टुगेदर। पहली चीज़ तो अगर मैं केस में डाल देता हूँ ना, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जैसे ही मैं केस खोलूँगा, निकालूंगा, आप ये देखोगे अभी ये ब्लिंक हो रहा है, यू कैन सी दिस ब्लिंकिंग। और जैसे ही मैं यहाँ पे रिसीवर को निकालूंगा केस से, एक या मैक्सिमम 2 सेकंड में आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। सो कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट है, जो मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड। टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस, बहुत सिंपल सा माइक्रोफोन बनाया गया है, इसमें कुछ डिस्प्ले नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। इट्स मेजरली जो मुझे लग रहा है ये बिगिनर्स के लिए, एंट्री लेवल व्लॉगर्स या वीडियो क्रिएटर्स या स्ट्रीमर्स के लिए हैं, जिनको सिर्फ इस केस से माइक निकालना है, लगाना है कैमरा पे या फ़ोन पे अटैच करना है और इसको यूज़ करना शुरू कर देना है, तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है, मतलब मैं इसको DSLR मिररलेस में भी यूज़ कर सकता हूँ, फ़ोन में भी यूज़ कर सकता हूँ, PC में भी एंड इवन टैबलेट। अब इसके लेफ्ट साइड में प्लस और माइनस के बटन है, सो बेसिकली लार्क M1 में 3 levels ऑफ वॉल्यूम मिलते हैं, तो मैं इसको लो, मीडियम और हाई पे यूज़ कर सकता हूँ। सो अभी जो आप ये सैम्पल सुन रहे हो ये हॉलीलैंड लार्क M1 से ही आपको आ रहा है, सो विल गेट अ फेयर आइडिया कि इसका ऑडियो परफॉर्मेंस इंडोर कैसा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ पहले। सो दिस इज़ मच बेटर, दिस इज़ प्रैक्टिकली कैसे आप यूज़ करोगे। तो अभी इसका जो वॉल्यूम लेवल है ना, बेसिकली इसमें 3 levels आते हैं, मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। एक बार मैं लो जाता हूँ एंड देन हाई जाता हूँ, सो दैट आप डिफरेंस देख सको कि तीनों वॉल्यूम लेवल्स में क्या फ़र्क आता है। सो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये इसका मिनिमम वॉल्यूम है, विच इज़ द लोएस्ट वॉल्यूम। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, अगर आप इंडोर ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा लो में भी शूट कर सकता हूँ। तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे है, दैट इज़ द 3rd level। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल पे आपके लिए ऑडियो बेटर रहेगा। अभी मैं भी बाद में सुनूंगा, मुझे जानने को मिलेगा। तो अभी मैं वापस मीडियम वॉल्यूम पे आ गया हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियो क्लिप हो जाए और फिर से मुझे वीडियो शूट करना पड़े। तो अगेन दिस इज़ अ सैम्पल स्ट्रेट आउट ऑफ हॉलीलैंड लार्क M1। और एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ अगर मैं दोनों यूनिट्स को यूज़ करता हूँ ना, मैं एक्चुअली जो सराउंड साउंड वाला इफेक्ट होता है ना वो क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे, मैं दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे मूड चेंज करना पड़ेगा। आप देखो, अगर मैं बोलते बोलते एक यूनिट को पास और एक दूर कर रहा हूँ, मैं अभी लेवल्स भी चेक कर रहा हूँ, तो एक्चुअली आपको फ़र्क दिखेगा कि इस तरीके का कुछ, स्पेशली अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियो या कुछ ASMR वीडियोस या जस्ट एक यूनिक एक्सपीरियंस देना चाहते हो अपनी वीडियोस में, दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली यूज़ और अपनी वीडियो को थोड़ा सा आप डिफरेंट बना सकते हो। अदरवाइज ये दोनों इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, एक यूनिट मैं यूज़ कर सकता हूँ, एक सेकेंड पर्सन यूज़ कर सकते हैं अगर मैं इंटरव्यू या इवन ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ आउटडोर सिचुएशन में। एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमीटर, यहाँ पे येलो कलर का बटन अलग से आपको दिखेगा, सो बेसिकली ये नॉइस कैंसिलेशन के लिए है। तो इसको जैसे ही मैं सिंगल प्रेस करता हूँ, आप देख रहे हैं जो ब्लू लाइट है ग्रीन में टर्न हो जाती है। तो एक काम करते हैं, मैं इसका सैंपल आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम सैंपल लेने के लिए आए हैं ऊपर छत में एंड बारिश हो रही है, तो ज़रा सा मैं बाहर की तरफ आता हूँ। हाँ, तो अभी क्या है कि पीछे पूरा ट्रैफिक जा रहा है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि इसका जो ऑडियो परफॉर्मेंस है, अगर आप इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर आप वीडियोज़ बनाते हो, व्लॉगिंग करते हो, तो कैसा रहेगा। एक काम करते हैं, हल्का सा कैमरा एक बार पीछे रखता हूँ मैं डिस्टेंस पे जाता हूँ कैमरा से,
तो इसका बेनिफिट क्या है, वायरलेस माइक्रोफोन है तो आप कितने भी डिस्टेंस पे चले जाओ ऑडियो लेवल उतना ही रहेगा, बिकॉज ऑडियो का सोर्स मेरे पास है, तो चाहे मैं कैमरा के पास रहूँ या दूर रहूँ सेम ऑडियो आएगा। तो अभी मैंने डेड कार्ड तो लगाया हुआ है, ये थोड़ा सा नॉइस फिल्टर करेगा, बट इसके अंदर एक बिल्ट इन नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर है, एक बार उसको इनेबल करता हूँ फिर देखते हैं कि जो अभी आपको ऑडियो आ रहा है और नॉइस कैंसिलेशन के साथ फ़र्क आता है नहीं आता। तो अब जो ऑडियो आ रहा है वो नॉइस कैंसिलेशन के साथ है, पीछे उतने ही हॉर्न बज रहे हैं, उतना ही नॉइस है, और दिस इज़ हाउ इट साउंड्स। तो अगर कुछ फ़र्क होगा वो आपको सुनने में पता लग जाएगा, मैं आराम से स्टूडियो में जाके फिर सुनूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि नॉइस कैंसिलेशन कैसे काम कर रहा है, बिकॉज डेडिकेटेडली दिया गया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा। अच्छा, हॉलीलैंड क्लेम करता है कि आप 650 फीट तक अपने जो ट्रांसमीटर यूनिट है उसको लेके जा सकते हो अपने कैमरा या मोबाइल से। मैंने रियल वर्ल्ड टेस्टिंग किया है, वो मैं क्लिप आपको दिखाता हूं। ओके, तो अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट हम कर रहे हैं। अभी मैं हार्डली 3 फीट दूर हूँ कैमरा से, एक बार डिस्टेंस देखते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ एंड अभी तक मेरे हिसाब से ऑडियो कुछ कट नहीं हो रहा होगा, एंड अभी मैं ऑलमोस्ट 15 फीट दूर आ चुका हूँ। अभी मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो बीच में जो वॉल है वो कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल बनेगी, तो देखते हैं कि नॉइस कट होता है या नहीं होता। तो मैं उसी लाइन में अभी पीछे जा रहा हूँ और ये दूसरा कैमरा है जहाँ आपको दिख जाएगा। तो अभी मैं एल शेप में पीछे की तरफ आ रहा हूँ, नॉट श्योर ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, बट अगर हो रहा होगा तो आपको दिख जाएगा। सो अभी मैं ऑलमोस्ट डायगनली अगर देखूँ 30 फीट के आसपास दूर आ चुका हूँ, तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट जो हम जाएंगे। ओके, तो अभी हम फ़ोन से ऑडियो सैम्पल ले रहे हैं और बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें फ़ोन में भी ऑडियो आ सकता है, ये कनेक्ट हो जाता है और बहुत सिंपल है, साथ में आपको केबल लगानी है, इट कैन बी डन। और आप देख रहे हो मैं पीछे जा रहा हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी तक ऑडियो आपको आ रहा होगा, और अभी पीछे पाथ है उस पर एक वॉक लेके देखते हैं, क्योंकि इससे भी पता लग जाएगा कि अगर मैं साइडवेज भी वॉक कर रहा हूँ इस तरीके से तो क्या ऑडियो आ रहा है नहीं आ रहा। आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स में काम चल रहा है तो उसकी नॉइज़ भी रहेगी, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, सो वो एक चीज़ हमें देखने को मिल जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। अभी मैं बैक दिखा के चल रहा हूँ, नॉट श्योर ऑडियो ले रहा है नहीं ले रहा, इफ़ इट्स टेकिंग द ऑडियो तो बहुत बढ़िया है। मतलब आप इस तरीके का कुछ क्रिएटिव शॉट, जैसे सुबह व्लॉग बनते हैं ना जहाँ आप दिखाना चाहते हो यार वर्किंग आउट, वो सब चीज़ें इससे इजीली रिकॉर्ड हो सकती हैं, और कैमरा जस्ट एक जगह पे है एंड आप टाइम लैप्स वगैरह ये सब निकाल सकते हो। वापस मैं पाथ पे वॉक करके आ रहा हूँ एंड प्रीटी श्योर ऑडियो सेम रहेगा बिकॉज ऑडियो सोर्स जो है वो मेरे साथ है एंड अब मैं फ़ोन के ऑलमोस्ट पास आ चुका हूँ। सो या दिस इज़ हाउ इट परफॉर्म्स विद अ स्मार्टफोन कैमरा। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विद दी हॉलीलैंड लार्क M1। जो चीज़ें मुझे पसंद आई वो मैंने आपके साथ शेयर करा, कुछ फीडबैक्स हैं जो मुझे लगता है कि इम्प्रूव हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बैटरी का इंडिकेशन, ऑल दो वो अलग अलग लेवल्स हैं, थोड़ा सा रेड टर्न होने लग जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा, बट मुझे कहीं परसेंटेज नहीं दिख रहा तो मैं श्योर नहीं हो सकता कि भाई कितनी बैटरी बची है। ऑल दो केस जो है वो 2 बार फुल चार्ज कर सकता है, विच आई थिंक इज़ द मेन USP ऑफ दिस माइक्रोफोन, क्योंकि बहुत यहाँ मेजॉरिटी जो भी वायरलेस माइक्रोफोन आते हैं किसी में केस नहीं आता, और स्पेशली जो चार्ज कर सके, तो इवन अगर मैं 2-3 घंटे यूज़ कर रहा हूँ मैं वापस केस में डाल के इसको बंद कर दूंगा, आई एम प्रीटी श्योर कि वो उसको चार्ज कर रहा होगा, अगर नहीं कर रहा होगा मुझे यहाँ पे इंडिकेशन से पता लग जाएगा। और एक और चीज़ जो इस माइक्रोफोन में मैंने मिस किया, दैट इज़ नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट लेपल माइक। तो इसमें मैं एक्सटर्नल लेवलियर एंड लेपल माइक अटैच नहीं कर सकता, कोई भी स्लॉट नहीं है, सिर्फ सी टाइप चार्ज स्लॉट है, तो वो एक पॉइंट है कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो एज अ माइक्रोफोन आपको डायरेक्टली यूनिट करना पड़ेगा, आप अलग से लेवलियर नहीं लगा सकते। सो ऑल इन ऑल आई थिंक काफ़ी प्रॉमिसिंग ऑप्शन है एज अ वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन, स्पेशली अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हो, ऑन द गो है, तो इसका जो केस है वो आपको हेल्प करेगा सो दैट आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म ना हो। नॉइस कैंसिलेशन एक्चुअली काफ़ी यूजेबल है, मैंने आपको दिखाया था उसका आउटपुट, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसा लगा। एंड इवन द नॉर्मल आउटपुट जो मैं कैप्चर कर रहा था, स्पेशली अगर मुझे 2 यूनिट चाहिए, 2 ट्रांसमीटर्स, वहां पे ये काफी यूजफुल था। तो बेसिकली लार्क M1 में 2 ऑप्शंस मिलती है, मैं इनकी वेबसाइट देख रहा था, ये जो है दिस इज विद 2 ट्रांसमीटर, एक आता है सिंगल ट्रांसमीटर के साथ। आई सजेस्ट टू गो विद दिस वन, क्यों, बिकॉज 4-5 हज़ार का फर्क है, बट इसके साथ आपको केस भी मिल रहा है और एक एक्स्ट्रा ट्रांसमीटर भी मिल रहा है, सो आई थिंक दिस कॉम्बो मेक्स मच मोर सेंस। बाकी अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।